अस्सलाम वालेकुम दोस्त साहब, आप कैटर ऑनलाइन पे आप लोगों को खुश आमदीद। दोस्त साहब, आप शुरू करते हैं आज का लेक्चर, और आज हमारा लेक्चर है इन्वेंट्री और बुक कीपिंग के बारे में कि कैसे इन्वेंट्री जो है ना, हम लोग अपना स्टॉक जो है कैसे रिटेन करते हैं और कैसे बुक कीपिंग की जाती है। तो इसी सिलसिले में पहला हमारे पास है एमसीक्यू, जो कहता है स्टॉक इज एन एसेट व्हेन इट इंक्रीज इट इज डेबिटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स आर अफेक्टेड। अब ये तो सबको पता है कि जैसे ही हमारे पास स्टॉक आता है, स्टॉक हमारे पास एसेट होता है। दो तरीकों से हमारे पास स्टॉक जो है ना बच जाता है, कैसे? एक तो परचेजेस से और दूसरा रिटर्न इनवर्ड से। अब परचेजेस से कैसे, जब हम परचेज करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे पास हमारा स्टॉक इंक्रीज हो जाता है साल बाद, जैसे उस पर 12 महीने गुजरते हैं। और रिटर्न इनवर्ड से क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि सेल रिटर्न, यानी कि जब हम लोग सेल करते हैं लेकिन वो बदकिस्मती से रिटर्न हो जाती है, तब हमारे पास हमारा जो स्टॉक है वो क्या, ये दोनों चीज़ें जो इफेक्ट होती हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास कहते हैं परचेज इन अकाउंटिंग मीन्स। अब परचेजेस का अकाउंटिंग में क्या मुराद है, वैसे तो परचेजेस का मुराद है खरीदना, लेकिन अकाउंटिंग में इसका डिफरेंट मतलब है। अकाउंटिंग में इससे मुराद ये है कि ऐसे चीज़ें खरीदना, ऐसी सामान जो है ना, ऐसा स्टॉक खरीदना जिसे आप फॉर रीसेल पर्पज अपने पास रखते हो। फर्ज करें आपने कोई फर्नीचर को परचेज किया है, लेकिन अब इस फर्नीचर को आपने सेल नहीं करा तो आप, हम इसे परचेजेस नहीं कहेंगे, बात समझ गए, हम ऐसे सिर्फ फर्नीचर करेंगे, सिर्फ एक एसेट रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जो सामान हम फॉर रीसेल पर्पज हम इस थिंकिंग को जहन में रखते हुए लेते हैं, उसको हम लोग परचेजेस कहेंगे। तो इसका सी ऑप्शन ठीक है, कहते हैं ओनली दोज गुड्स बॉट फॉर रीसेल पर्पज। थर्ड है हमारे पास, कहते हैं विच शुड नॉट बी कॉल्ड परचेजेस। तो वही बात है कि ऑफिस फर्नीचर को हम लोग कभी भी नहीं कहेंगे कि ये हमारे पास परचेजेस है, बल्कि उसको ऑफिस फर्नीचर ही कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये परचेजेस की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता। फोर्थ है हमारे पास, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब सेल। अब सेल्स किसको कहते हैं, अब जाहिर सी बात है सेल्स तो दो किस्मों की होती हैं, या तो क्रेडिट भी होंगी या तो कैश भी होंगी। तो अब एसेट सेल्ड को सेल कहते हैं, नहीं जी, बल्कि सेल्स उस सामान को कहते हैं जो हम लोगों ने फॉर रीसेल पर्पज खरीदा होता है, जब हम उसको आगे सेल करते हैं उसको सेल्स कहा जाता है अकाउंटिंग में। एसेट के सेल करने को या कोई कंप्यूटर के सेल करने को सेल करना नहीं कहा जाता, बल्कि वो सिर्फ कंप्यूटर सेल होता है। जो सही सेल्स होता है अकाउंटिंग में, जिससे मुराद होता है वो जो हम लोगों ने परचेजेस की होती है, जब हम उसको सेल करते हैं उसको सेल्स कहा जाता है, ठीक है। तो डी हमारे पास है, कहते हैं जी गुड सोल्ड फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ है हमारे पास, कहते हैं सेल्स शुड नॉट इंक्लूड। सेल्स में क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल जी ऑफिस फर्नीचर जो हम लोगों ने सेल किया है वो सेल्स का पार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सिक्स्थ है हमारे पास जी गुड्स आर सोल्ड ऑन विच टू बेसिस। कहते हैं जी हम लोग सामान है किस तरीकों से, ये किन दो बेसिस पे सेल करते हैं, ये तो मैंने जिस तरह आपको बताया, या तो फॉर कैश होता है या फिर हमारे पास फॉर क्रेडिट होता है, ठीक है। अच्छा, सेवन्थ है हमारे पास, कहते हैं जी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंपनी सेलिंग मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। कहते हैं जी अगर, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, कंपनी का इफेक्ट क्या होगा अगर वो सामान क्रेडिट पे सेल कर रही हो। अब जाहिर सी बात है जब आप लोग क्रेडिट पे सेल करेंगे तब क्या होगा, आपका डेटर्स यानी कि आपके जो डेटर्स होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे और आपका स्टॉक कम होता जाएगा। और दूसरा क्या है जी, कहते हैं इंक्रीज क्रेडिटर्स इंक्रीज कैश। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, इसमें यही ठीक है जो कि इंक्रीज डेटर्स और डिक्रीज स्टॉक होता है। अच्छा, एट है हमारे पास, कहते हैं टोटल साइज ऑफ मैगजीन सेलर्स इंक्लूड द वैल्यू ऑफ। कहते हैं जो मैगजीन सेलर है अगर वो मैगजीन को सेल करता है तो उसमें कौन सी दो चीज़ें शामिल होंगी, तो फिर वही वाली बात है कि सेल्स वाली बात है, जब मैगजीन सेलर है वो कैश पे भी करेगा और क्रेडिट पे भी करेगा, तो दोनों चीज़ें इसमें शामिल होंगी। अच्छा, नाइन्थ है हमारे पास, कहते हैं जी सेल्स एंड परचेजेस आर ट्रांसफर टू, तो सेल और परचेजेस कहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस में, बिल्कुल जी ठीक है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जो हम लोग फाइनल अकाउंट में ना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, या बात का तो लोग उसको ना इनकम स्टेटमेंट भी कहा कहते हैं, और कुछ लोग उसको स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी कहते हैं। बात एक ही है, बस कान को पकड़ने वाली बात है, जान से हाथ घुमा लें। अच्छा, टेंथ पॉइंट है हमारे पास, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटर्न इनवर्ड। कहते हैं रिटर्न इनवर्ड्स कौन सी होती हैं, वो रिटर्न होती है, इसको दूसरे मानों में सेल्स रिटर्न कहा जाता है, इसका जो दूसरा नाम है। तो रिटर्न इनवर्ड्स कौन सी रिटर्न होती हैं, वो सामान जो हमें कस्टमर वापस करता है, ठीक है, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। अच्छा, 11th पॉइंट है हमारे पास, रिटर्न सम ऑफ द ऑफिस इक्विपमेंट टू सप्लायर्स। कहते हैं जी हम लोगों ने सप्लायर्स को कुछ जो है ना ऑफिस इक्विपमेंट्स वापस किए, तो हमारे पास इसकी एंट्री क्या बनेगी। अब जाहिर सी बात है ऑफिस इक्विपमेंट आप लोगों ने वापस की है, तो पहले जब आप लोकल लेकर आए थे तो एसेट था, उसको डेबिट किया होगा, अब जाहिर सी बात है ऑफिस इक्विपमेंट को करें क्रेडिट, ठीक है, और सप्लायर्स को आप लोगों ने जो है ना क्रेडिट किया था क्योंकि आपकी लाइबिलिटी बन गई थी, अब आप अपनी लाइबिलिटी रिलीज करें तो सप्लायर्स को करें डेबिट। तो सी पार्ट हमारे पास ठीक है, सप्लायर्स अकाउंट टू इक्विपमेंट्स रिटर्न अकाउंट। अच्छा, 12th है हमारे पास, कहते हैं बिजनेसमैन परचेज फर्नीचर फॉर रीसेल पर्पज, ठीक है, उसने अब रीसेल पर्पज के लिए फर्नीचर परचेज किया है, ठीक है, ये बात जहन में रखें।
फर्नीचर यूज के लिए नहीं किया बल्कि फॉर रीसेल पर्पस किए। तो कहते हैं जी विच अकाउंट्स शुड बी यूज फॉर ट्रांजेक्शन, तो जाहिर सी बात है अब ये परचेज की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है, तो इसको हम लोग परचेजेस में रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा 13 है हमारे पास, कहते हैं विच अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस, कहते जी हमारे पास कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, तो हम लोग अगर सारे ऑप्शन को देखें तो सिर्फ परचेज अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जिसका डेबिट बैलेंस होता है, बाकी सबका क्रेडिट बैलेंस होता है। अच्छा आगे हमारे पास कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉर्मली अ क्रेडिट बैलेंस, अब हमें पता है एक्सपेंसिस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और सिर्फ कैपिटल जो हमारे पास अकाउंट है इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर आप लोग ना इस डेबिट क्रेडिट को किस चीज का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है अगर आप लोग ये समझना चाहते हैं ना, तो आप लोग बिगिनर सीरीज इसी चैनल पे आप लोग जरूर जाए, वहां पे ना सीखें आप लोग कि जी मैंने बकायदा तौर पर एक इलस्ट्रेट करके एक टेबल ड्रॉ करके मैंने जो है ना उसमें बताया, 5 हेड बनाए हैं, इंशाल्लाह ताला आप लोग देखेंगे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जिंजुआ कंपनी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू डिंगो कंपनी द एंट्री वुड बी, तो क्या होगी जी जब हम लोग सेल्स करते हैं क्रेडिट पे, तो जाहिर सी बात है सेल्स हमारे पास इनकम होती है, जब इनकम ज्यादा होती है तो क्रेडिट, और डिंगो कंपनी हमारे डेटर्स बनेगा तो हमारे पास ये डेबिट कर देंगे, ठीक है।